हेलो फ्रेंड, आई एम सिद्धार्थ राज। वेलकम बैक टू मनदर वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कशन करूंगा मणिपाल फेज टू के ऊपर, कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। किस शिफ्ट में हो तुम्हारा कम मार्क्स भी अच्छे रैंक बनेंगे, इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। मणिपाल का फेज टू का फर्स्ट डे का शिफ्ट वन, शिफ्ट टू, शिफ्ट थ्री के ऊपर कंप्लीट डिस्कशन किया हूं। कौन सा शिफ्ट इजी था, कौन सा हार्ड था, बट इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। मणिपाल फेज टू का सेकंड डे का शिफ्ट वन, शिफ्ट टू के ऊपर डिस्कशन करती हूं। कहां से क्वेश्चन थे, किस चैप्टर से आया था, कौन सा हार्ड था, बट शिफ्ट थ्री के रिगार्डिंग नहीं चाहता वीडियो बनाना। आज मैं कंप्लीट बता देता हूं, हाँ, कौन सा शिफ्ट हार्ड था, कौन सा शिफ्ट इजी था। मैं बात करूं फेज टू का फर्स्ट डे का शिफ्ट वन, सबसे इजी था तुम्हारा। बहुत सारे बच्चे थे 200 प्लस मार्क्स लाए, मेरे कॉन्टेक्ट में बहुत सारे बच्चे 207 मार्क्स लाए, 214 मार्क्स लाए, इस तरह का मार्क्स मार लाए हैं। बाकी फर्स्ट डे का शिफ्ट टू थोड़ा टफ था, उसमें तुम्हारा कम मार्क्स भी आता है, 6 रैंक तुम्हारा बनेंगे। और बात करूं थर्ड, फर्स्ट डे का थर्ड शिफ्ट, वो भी थोड़ा मॉडरेट था तुम्हारा। और आज का बात करूं मैं सेकंड डे, मणिपाल फेज टू का सेकंड डे का फर्स्ट शिफ्ट के ऊपर, बहुत टफ था तुम्हारा, बहुत टफ था। और सेकंड वाला भी तुम्हारा मॉडरेट बोल सकते हो। थर्ड शिफ्ट में बहुत ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत अच्छा अच्छा मार्क्स लाए हैं। बताता हूं मेरे कॉन्टेक्ट बच्चे जो अच्छे अच्छे मार्क्स लाए हैं, एक का 132 मार्क्स आया है, एक का 194 मार्क्स आया है, एक का 203 मार्क्स आया है, एक का 179 मार्क्स आया है। मतलब देखो सेकंड डे तुम्हारा थर्ड शिफ्ट थोड़ा इजी था। इसी कारण से क्या होता है ना, अगर तुम फर्स्ट डे का फर्स्ट शिफ्ट दिए हो तो उसमें तुम्हारा अगर ज्यादा मार्क्स भी आता है, रैंक कैम बनने का चांस है तुम्हारा, ठीक है। एज कम्पेयर टू वो बच्चे जो कि तुम्हारा मणिपाल फर्स्ट डे का सेकंड शिफ्ट में तुम्हारा एग्जाम दिए होंगे, उसका कम मार्क्स से भी तुम्हारा अच्छा रैंक बने, क्योंकि पेपर टफ था तुम्हारा। मैं फिर से बोलता हूँ, मणिपाल का फर्स्ट डे का फर्स्ट शिफ्ट पेपर इजी था तुम्हारा, और सेकंड डे का लास्ट शिफ्ट तुम्हारा बहुत इजी था। उसमें हो सकता है ज्यादा मार्क्स भी कम रैंक बने। प्लीज पैनिक ना हो, या नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अगर मतलब पेपर टफ होगा, सबके टफ होगा, तुम्हारे टफ नहीं होगा, परसेंटाइज सिस्टम यहाँ भी है मेंस जैसा, ठीक है। अगर तुम्हारे शिफ्ट का पेपर टफ होगा तो जितना देखिएगा हाईएस्ट मार्क्स देगा उसके बेसिस पे तुम्हारा रैंक बनेगा, डिसाइड होगा। और मैं ये सब बताना नहीं चाहता, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ अगला वीडियो किस टॉपिक बनाओ, क्योंकि काउंसलिंग अच्छे से नहीं करोगे अच्छे रैंक पे भी सीएससी ब्रांच मिलने का चांस कम है। मणिपाल काउंसलिंग बहुत ट्रिकी काउंसलिंग होता है। 2022 का प्लेलिस्ट उठा के देख लो, अच्छी चीज का रैंक 1000 के अंदर था, उसे भी सीएससी ब्रांच नहीं मिला है। 2022 का प्लेलिस्ट देख के देख लो, बस इतना ही बोलूंगा। मेरे कमेंट सेक्शन में बताओ अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मैंने कंप्लीट चाहे फेज वन में हो पूरा अपना 100% दिया, फेज टू में एक एक बच्चे से बात किया, शायद एग्जाम का रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होगी, काउंसलिंग करा, काउंसलिंग में अपना बेस्ट दूंगा, ठीक है। वो बच्चे जो कि फाइनेंशियली थोड़ा वीक है, ठीक है, उसका जेईई मेंस अच्छा नहीं हुआ है, कोई कॉलेज ऑप्शन नहीं है तुम्हारा, मणिपाल में अच्छे मार्क्स लाए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अभी से ही मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा, वो सब रेडी करके रखो, अच्छा होगा तुम्हारे लिए, स्कॉलरशिप मिल जाएगा मणिपाल से कॉलेज में, 7 से 8 लाख के अंदर पढ़ लोगे तुम, ठीक है। बस मेरा पर्सनल एडवाइस था। और लास्ट में एक बात बोलना चाहता हूँ, वो बच्चे जो वैसे पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म मिलेगा, फॉर्म को फिल करो, मैक्सिमम बेनिफिट होगा तुम्हारा। मैं अपने तरफ से बेस्ट दूंगा काउंसलिंग के लिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए तेरे को, क्या करना, कैसे अप्लाई करना, सच में वन टू वन डिस्कशन करो। कमेंट सेक्शन में बताना अगला वीडियो किस टॉपिक बनाना स्टार्ट करूं, जिसके रिगार्डिंग मैक्सिमम कमेंट रहेगा मेरे पास, मैं ट्राई करूंगा उसे कवर कर देने का। बस मैं इतना ही बोलता हूं, अगर मैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता हूं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, थोड़ा सपोर्ट दिखा, जिससे कि मैं ग्रो हो सकूं, तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं। होप दिस इन्फॉर्मेशन इज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, कमेंट सेक्शन में पढ़ूंगा आज का, जिससे ज्यादा मैक्सिमम कमेंट रहेंगे मैं उसे कवर करने का ट्राई करूंगा। होप दिस इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।